दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भूमिका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक भारत में। अभी हम आरा लोकसभा चुनाव में है, आरा लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और हमारे साथ अभी यहां पे यहां के मतदाता हैं। और चलिए बात करते हैं, कृषि भवन मोर के पास है और यहां पे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं कैसा आपने वोट कास्ट कर दिया। यहाँ जो मतदान हो रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण हो रहा है और इस चिलचिलाती धूप में भी लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये हमारा भारतवर्ष का गणतंत्र का ये पर्व है और हमारे देश के हर नागरिक को मतदान में शामिल होना अनिवार्य है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैडम भी है साथ में, क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, वोट देने से हम लोग को विकास हो, शहर में देश में विकास हो, सबको आगे बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, यही सब हमको। मेरा ये फर्स्ट टाइम वोटिंग है और मैं भोजपुर की स्वीप आइकन हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए यादगार है। और हम सबसे एक बार और अपील करेंगे, सब आए वोट दें, क्योंकि हम जिसको चुनते हैं वो 5 साल तक शासन करेंगे और वोट नहीं देंगे तो पछताएंगे बाद में। इस बार बहाना नहीं बनाना है, वोट हमारा अधिकार है, इसलिए अपना अधिकार को पूरा करना है और वोट देने जरूर आना है। देश के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सभी लोग यहाँ वोट करने आए। जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं, क्योंकि आज के जमाना में किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी को अपने मत का अधिकार मिला हुआ है और उसका उपयोग करना चाहिए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए। यह बहुत ही जरूरी है। हम आपको अपडेट कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिर आरा लोकसभा चुनाव मैं किस तरीके से मतदान हो रहा है। और यहाँ की हम भी चाहेंगे और आप सभी आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप जरूर जाएं, मतदान जरूर करें। एक वोट जो है वो महत्वपूर्ण रहता है और वो सरकार चुनती है और सरकार को बदलती है। तो जरूर से जरूर जाएं और मतदान करें। आशा एक भारत के लिए, मैं रहरा सिंह, आरा भोजपुर बिहार। अगर ये खबर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया धन्यवाद आप सभी का।